हाँ तो गाइस, आज के इस वीडियो में फिर से मेरे पास में है ये ट्रुक का एक और नया TWS जिसका नाम है ट्रुक BTZ बीटा। आपको बताऊंगा, इससे पहले एक अनबॉक्स मैंने किया था ट्रुक BTZ का X1, उसके बाद में फिर से एक नया TWS है भाई। काफ़ी छोटा सा बॉक्स आपको मिलेगा और सबसे अच्छी एक प्राउड की बात कि यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा मेड इन इंडिया, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया आपको मिलता है। एंड जो फीचर्स है ना वो काफ़ी तगड़े मिल जाते हैं। इसका जो स्पेशल लॉन्च प्राइस है, जो टीचर्स वगैरह आए हैं, 999 की प्राइस में है। लेकिन भाई 999 में आपको इसको करना चाहिए या नहीं, सभी चीजें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉक्स की बात कर लेते हैं कि बॉक्स आकर हमको कैसा क्या मिलेगा। देखो भाई, ट्रुक का ब्रांडिंग आपको यहां मिलेगा, BTZ बीटा इसका मॉडल नेम है, तो वो यहां पर लिखा मिलेगा मेड इन इंडिया। और इन जो बर्ड्स आपको मिलेंगे, यानी कि जो BTZ अंदर आपको मिलेगा वो यहां पर मेंशन है। कुछ फीचर्स है जैसे कि आपको यहां पर ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, AI नॉइज कैंसिलेशन का फीचर मिल जाता है। बाकी आपको कैसे क्या करना है वो सारी चीजें पीछे मिल जाएगी, और भी और कुछ फीचर्स मिलते हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो भाई सीधे से इसको अनबॉक्स करते हैं। जैसे ही अनबॉक्स करेंगे, और मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं भाई, ट्रुक का जो ये पैकेजिंग होता है ना, वो थोड़ा ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो भाई देखो, यहां पर आपको एक तो मैनुअल वगैरह आपको देखने मिल जाएगी, और इसमें आपको ईयर टिप्स वाला डिजाइन मिलता है, तो कुछ ईयर टिप्स फ्री मिल जाएंगे। एंड इसमें आपको टाइप सी पोर्ट का केबल देखने मिल जाएगा जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखने मिल जाएगी। और फाइनल बात आती है हमारे इस नए BTZ बीटा की, तो वो हमको इसमें देखने मिल जाता है। अब इन सभी को साइड में रखते हैं और मेन बात करते हैं हमारे इस नए TWS। तो भाई मैं इसको रेपर से निकाल लेता हूं बाहर, और आप देख पाएंगे काफी छोटा सा स्लिम सा डिजाइन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि सामने ही आपको ट्रुक का ब्रांडिंग मिलेगा। एक छोटी सी LED लाइट आपको यहां पर देखने को मिलेगी, नीचे टाइप सी पोर्ट आपको मिलेगा, और बाकी यहां पर कुछ भी नहीं मिलता भाई। फुल ऑन मेड फिनिश आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है, और देखने में भाई काफी प्रीमियम लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। स्क्रेचेस वगैरह काफ़ी कम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई मेड फिनिश है। फिर भी अगर आप इसमें केस वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं खोलता हूँ इसको, और खोलने के बाद में आप देख पाओगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको डिज़ाइन देखने मिल जाएगी। R और L यहाँ पर भी मेंशन है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि लेफ्ट कान में आपको कौन सा पहनना है और राइट में आपको कौन सा पहनना है। इसको देखने के बाद में आपको एक चीज़ याद आ रही होगी कि बोट ने भी अपना एक नया TWS लॉन्च किया था, बोट 115 नाम से, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही डिज़ाइन में था। तो भाई ये भी उसी डिज़ाइन है। अब देखते हैं कि फिटिंग वगैरह हमको कैसे मिलती है। बाकी जो हिंज की क्वालिटी है भाई, काफी बढ़िया मिल जाती है, मुझे ऐसा कहीं भी कमी नहीं लगी। जिस प्राइस पॉइंट पे है उसके हिसाब से इसका जो हिंज की क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया आपको देखने मिल जाएगी। बाकी मैं बात करता हूं इसके केस की एंड बर्ड्स की, कि भाई कैसी क्वालिटी है। तो भाई डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा क्वालिटी आपको देखने मिल जाएगा। फिटिंग की बात कर लेते हैं कि भाई फिटिंग में हमको कैसा क्या इसमें देखने मिलता है। तो भाई आप देख पाएंगे, ईयर टिप्स को मैं पहले बाहर निकाल लेता हूं, और ईयर टिप्स आपको मैं एक बार दिखा देता हूं कि भाई हमको कैसे मिलेंगे। तो भाई आप देख पाओगे बिल्कुल स्टेम टाइप डिजाइन आपको मिलेगा, दोनों में आपको ट्रुक का ब्रांडिंग मिल जाएगा, और काफी अच्छी फिनिशिंग यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं इसको कान में पहनूं तो गाइस आप देख पाएंगे जो फिटिंग है वो भी काफी अच्छी मिल जाएगी। मतलब कि इसमें आपको 30mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, फिटिंग बढ़िया है भाई। जिम वगैरह के लिए आप आराम से इसको यूज कर पाओगे, रनिंग के लिए भी यूज करना चाहोगे तो भी आप कर सकते हो, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। तो भाई ओवरऑल जो इसका फिटिंग वगैरह है वो काफी अच्छा मिल जाता है। साउंड की मैं आगे आपको बात बताऊंगा कि कैसा साउंड हमको इसमें कैसा मिलता है। बाकी बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो भाई ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, काफी फास्ट कनेक्टिविटी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। 10 मीटर की वायरलेस रेंज आपको मिल जाती है, अच्छा खासा कनेक्टिंग स्पीड आपको देखने मिल जाएगा। गूगल असिस्टेंट एंड सीरी आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं, और बाकी जो चीजें हैं वो सारी कुछ आपको टच से ही यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी अगर मैं बात करता हूं भाई ऐप सपोर्ट की, तो यहां पर कोई भी ऐप सपोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हमको ऐप सपोर्ट इसमें मिलेगा नहीं, कस्टमाइज हम कर सकते हैं नहीं। तो भाई वो आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई भी ऐप सपोर्ट आपको नहीं मिलता। जो आपको अंदर ब्रांड की तरफ से मिला है वही चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी आपको देखने मिल जाएगी, प्रोटेक्शन अच्छा खासा है, जिम वगैरह के लिए आप आराम से इसको यूज कर पाओगे, रनिंग वगैरह के लिए भी आप इसको यूज कर पाओगे। अगर मैं बात करता हूं भाई इसके साउंड क्वालिटी की, तो देखो भाई फिटिंग काफी अच्छी है, फिटिंग अच्छी होने की वजह से इसमें जो बेस की क्वालिटी है ना भाई काफी बढ़िया आपको मिल जाती है। साउंड मुझे इसका अच्छा लगा, काफी बढ़िया साउंड मिल जाता है, डिस्टॉर्शन आपको यहां पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे TWS आते हैं जिसमें कि हाई वॉल्यूम करने पर काफी डिस्टॉर्शन होता है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा कोई भी सीन नहीं लगा कि डिस्टॉर्शन होता है। फुल वॉइस करने पर भी काफी अच्छा एक स्मूथ साउंड आपको मिलता है, जिसमें कि जो बेस की क्वालिटी है यानी कि क्वालिटी आपको साउंड में काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, साउंड से शिकायत आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बात करता हूं अगर इसके कॉल क्वालिटी की, तो भाई इसमें आपको ड्यूअल माइक नॉइज कैंसिलेशन का फीचर मिल जाता है। इससे पहले जो ट्रुक BTZ X1 आया था, कॉल क्वालिटी काफी जबरदस्त थी, इसमें भी आपको जो कॉल क्वालिटी है वो काफी जबरदस्त देखने मिल जाती है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी आपको देखने मिलती है कि भाई बहुत तगड़े नॉइज में भी अगर आप हो तो भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कॉल क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है, कॉल क्वालिटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगी। इंडोर ही है, और आप मुझे बता सकते हैं कि भाई प्रॉपर फैन वगैरह चल रहे हैं ऊपर, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे ऑडियो क्वालिटी आ रही है। फाइनल बात आती है भाई, इसमें आपको गेमिंग मोड भी मिल जाता है, 40ms की लेटेंसी आपको ब्रांड प्रोवाइड
प्रोवाइड करवा रहा है, तो भाई वो भी काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग भी मिल जाती है। मैं COD ही खेलता हूँ भाई, BGMI वगैरह अभी है नहीं, तो COD जब मैंने खेला था इसकी जो गोलियों की आवाज़ है विदाउट गेमिंग मोड भी काफ़ी अच्छी आ जाती है, और गेमिंग मोड में डालने के बाद में तो भाई गेमिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जिससे क्या है ना कि जो बेस वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छे सप्रेज इसमें मिलते हैं, तो गेमिंग खेलने का जो मज़ा है ना वो कहीं काफ़ी तगड़ा इसमें आपको देखने मिलता है। तो जो एक TWS में हमको चाहिए होता है कि भाई बेस्ट गेमिंग मिल जाए, बेस्ट हमको साउंड मिल जाए, बेस्ट हमको कूलिंग क्वालिटी मिल जाए, तो भाई वो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब बात आती है फाइनल इसके बैटरी बैकअप की, तो भाई जो ब्रांड है ट्रुक, जिसमें कि हर प्रोडक्ट में आपको 48 hours का बैकअप मिल जाता है, सेम आपको वो भी यहाँ पर देखने मिलता है। 48 hours का बैकअप है विथ केस, 38 hours का बैकअप आपको केस में मिल जाता है, और जो बाकी 10 hours का बैकअप है वो आपको बड्स में देखने मिल जाता है। फुल ऑन टोटल मिला के आपको 48 hours का देखने मिल जाता है, जो कि भाई बढ़िया है, काफ़ी अच्छा बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। सिंगल चार्जिंग के बाद में अगर आप इसको हार्डली भी यूज़ करोगे तो लगभग 8 से 9 घंटे का बैकअप आपको मिल जाएगा, जो कि इनफ है भाई, प्राइस के हिसाब से काफ़ी तगड़ा है। बाकी टाइप सी पोर्ट सपोर्टेड है एंड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ भाई हमको बाय करना चाहिए या नहीं, तो भाई मेरी तरफ से रिकमेंड प्रोडक्ट है, आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्च प्राइस होगा ना वो 999 आपको देखने मिलेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यार 999 इसका जो प्राइस है वो ठीक है, लेकिन हो भी सकता है, आपने देखा होगा ट्रुक BTG X1 था वो 1300 रुपये के प्राइस में लॉन्च हुआ था, लेकिन जो फर्स्ट सेल जो प्राइस थी वो 999 थी, जबकि वो इससे थोड़ा ऊपर वाला प्रोडक्ट है। तो हो सकता है इसका 999 प्राइस हो, लेकिन जब सेल डेट आए तब इसका जो प्राइस है वो थोड़ा कम हो जाए। अभी तो 999 के ही लिए बताया जा रहा है कि भाई 999 प्राइस आएगी, तो हो सकता है 100-200 रुपये और भी कम वहाँ पर आपको मिले। तो भाई बाइक कर लेना चाहिए 999 में, और तो मुझे लगता नहीं कि कुछ कमी इसमें है, बस एक वो जो LED लाइट्स वगैरह होती है गेमिंग TWS पर वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती, बाकी जो सारे फीचर्स है वो तो आपको मिल ही रहे हैं। बाकी भाई मेरी तरफ से फुली रिकमेंड प्रोडक्ट है, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और इसके साथ में किसी का कंपैरिजन वीडियो आपको देखना हो या इससे रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।